मलेशिया सरकार ने भारत सहित 27 देशों के नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल सुविधा खत्म करने का फैसला किया है। मलेशिया सरकार का ये फैसला 1 अगस्त से लागू हो गया है। इस फैसले के बाद मलेशिया की यात्रा करने वालों को पहले अपने देश से वीजा लेना होगा। गौरतलब है कि भारत से हर साल हजारों लोग मलेशिया की यात्रा करते हैं। और आपको बता दें कि मलेशिया सरकार ने भारत सहित 27 देशों के नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा खत्म करने का फैसला किया है। मलेशिया सरकार का ये फैसला 1 अगस्त से लागू होगा। इस फैसले के बाद मलेशिया की यात्रा करने वालों को पहले अपने देश से वीजा लेना होगा। गौरतलब है कि भारत से हर साल हजारों लोग मलेशिया जाते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं सुभाष गोयल, चेयरमैन स्टिक ट्रैवल्स के। सुभाष जी, स्वागत है जी बिजनेस में। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इससे मलेशिया जाने वाले पर्यटन पर आपको क्या लगता है, कितना असर पड़ सकता है? फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। और आपको बता दें कि जिस तरह से मलेशिया पहले हम वीजा ऑन अराइवल की सुविधा जिस तरह से सरकार देती थी, और अब ये है कि देश से ही आपको वीजा पूरा मुकर्रर करा के जाना पड़ेगा। पहले 27 मलेशिया सरकार ने 27 देशों समेत भारत के नागरिकों को भी ये इख्तियार कर दिया है। और आपको बता दें कि हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद है सुभाष गोयल, चेयरमैन स्टिक ट्रैवल्स के। ज्यादा जानकारी के लिए सुभाष जी स्वागत है जी बिजनेस में। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे जिस तरह से नया ये जो फरमान आया है, क्या लगता है मलेशिया जाने वाले टूरिज्म पर, पर्यटन पर कितना असर पड़ेगा इस फैसले के बाद? इससे मलेशिया जाने वालों पे बहुत असर पड़ेगा, कम से कम नहीं तो मलेशिया इंडियन टूरिस्ट जो हैं इसके मलेशिया के अंदर नंबर वन है शॉपिंग के अंदर। सबसे ज्यादा पैसा खर्चते हैं, पूरी दुनिया में जितना भी टूरिस्ट आता है मलेशिया, सबसे ज्यादा पैसा इंडियंस खर्चते हैं। और मलेशिया के मिनिस्टर आए थे यहाँ पर इंडिया में और उन्होंने टूरिज्म इंडस्ट्री में सेमिनार्स करे थे और लिटरली हमसे विनती करी थी कि हम मलेशिया प्रमोट करें। हमने उन्हें कहा था कि अगर टूरिस्ट वीजा ऑन अराइवल होगा तो हम मलेशिया प्रमोट करेंगे। उन्होंने वीजा ऑन अराइवल करा और मलेशिया बहुत जबरदस्त तरीके से प्रमोट हुआ। पर आज अगर ये वीजा ऑन अराइवल विड्रॉ करते हैं तो मैं नहीं समझता कि लोग ओवरफ्लाई कर जाएंगे, यहाँ से बैंकॉक जाएंगे जहाँ वीजा ऑन अराइवल है और उसके बाद सिंगापुर जाएंगे या श्रीलंका जाएंगे जहाँ वीजा ऑन अराइवल है। दो जो खासकर जो माइस टूरिज्म है, दैट इज मीटिंग इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशन, ये सारा बिजनेस तो कम से कम थाईलैंड, सिंगापुर और श्रीलंका शिफ्ट हो जाएगा। जाहिर तौर पे टूरिज्म में फर्क तो पड़ेगा, लेकिन वजह क्या हम मान सकते हैं, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? वजह ये होती है कि अब मलेशियन हाई कमीशन पूरे हिंदुस्तान में तो है नहीं, दिल्ली में है, कलकत्ते, मद्रास में है, बॉम्बे, दो तीन जगह है, और बाकी जो शहर है उनको अपने पहले पासपोर्ट भेजने पड़ेंगे, फिर वीजा लगवाएंगे, फिर लास्ट मिनट पे वीजा मिले ना मिले, फिर आदमी ऐसी जगह चूज करता है मीटिंग के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, हॉलिडे के लिए जहाँ वीजा की हैसल ना हो जी। तो इससे मलेशिया के टूरिज्म में बहुत फर्क पड़ेगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष गोयल, चेयरमैन स्टिक ट्रैवल्स की जानकारी। जितने मलेशिया सरकार का नया फरमान जारी किया गया, वीजा ऑन अराइवल जिस तरह से पहले सुविधा मिलती थी अब वो भारत समेत 27 अन्य देशों के नागरिकों के लिए अब वो लागू नहीं होगी। अब आपको पहले से ही देश में वीजा लगवा कर फिर मलेशिया की सैर करनी होगी।